उस उमर इब्ने खत्ताब की बात कर रहा हूँ, जब बैतुल मुकद्दस फतह हो गया तो वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख करके भेजा के लोगों की ख्वाहिश है उमर इब्ने खत्ताब आप तशरीफ लाएं, बैतुल मुकद्दस की चाबी आपके हाथ में दी जाए, आप तशरीफ लाएं। तो उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला मदीने से चल पड़े अपना एक गुलाम लेकर के, लेकिन गुलाम और खुद होने के बाद एक ही घोड़ा था। तय ये कर लिया गुलाम के साथ कि एक मील मैं बैठूंगा तू चलेगा, दूसरे मील तू बैठेगा मैं चलूंगा। ये शान उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला, मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। और इस तरह से सफर कटता रहा, एक मील खुद बैठते एक मील गुलाम बैठता था, क्योंकि उनके अदल के सामने किसी की नहीं चलती। फिर जब इत्तेफाक ऐसा है बैतुल मुकद्दस करीब आया, लोग सब देखने के लिए बाहर आए, लेकिन घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और आपकी चलने की थी। बारी बारी है, गुलाम बैठा हुआ आ रहा है और खलीफा वक्त रस्सी पकड़ा हुआ आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए फिलिस्तीन के, अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन कहकर नारा लगा रहे थे। तो जो मौजूद सहाबा थे उन्होंने बताया ये घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये घोड़े की रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वह अमीरुल मोमिनीन है।